चलिए ये 12-1 बजे के बीच में कोई इधर, अब पता नहीं, मैं रिपोर्ट भी करा के आया हूँ पुलिस वालों को, अभी सुबह गया था, सुबह 5 बजे लगा पता हमें, शटर उठाया अंदर, सिगरेट वगैरह चोरी किए हुए 25-30 हज़ार रुपये की, कोई 5-7 हज़ार रुपये नकदी कोई चोरी की हुई है। नशेड़ी लड़कों का काम है, रात को इधर नशेड़ी लड़के घूमते रहते हैं, पुलिस वाले करते कुछ नहीं है इनके लिए, थोड़ी एक्शन होना चाहिए इनके ऊपर कुछ। मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो दिन ब दिन चोरियों की जो वारदात बढ़ रही है, पुलिस प्रशासन इसके ऊपर लगाम लगाए। ये देखिए हमारे यहाँ पर कमल गंडोत्रा जो है, यहाँ की एक फेमस दुकान है और मेन गली जो है गोरखा नगर की, यहाँ पर रात को चोरी हो रही है। यहाँ पर अभी पिछले साल यहाँ पर गाड़ियों की चोरी हो गई थी, टायर निकाल कर ले जाते हैं गाड़ियों के। अभी कल जो एक वारदात थी कि विक्रम चौक में दिन दहाड़े चोरी हो गई, तो इस तरह से चोरियाँ जो है वो बढ़ रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखे और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, पूरा दिन मेहनत करके काम करते हैं और अपनी कमाई करते हैं, और उसके बावजूद भी लोग जो है वो सेफ नहीं है, उनकी दुकानों में चोरी हो जाती है, उनके बच्चे नशे की आदत में पड़ गए हैं, कोई चोरी की आदत का, कोई चोरी कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई गलत और काम कर जुआ खेल रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी यही कहूँगा कि आप वो भी अवेयर रहें अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों का ध्यान रखें, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। हमारा भी नागरिक होने के नाते ये सहयोग बनता है कि हम लोग सब मिलजुल कर जो है साथ बढ़े, ताकि ये जो चोरी की वारदात है, नशे की वारदात है, कोई बाहर से आके यहाँ पर नशा बेचता है, उसको पकड़ कर पुलिस के हाथ दें, ताकि वो दोबारा हमारे एरिया में ऐसा गलत काम ना हो।